नमस्कार, मैं हूं वरिषा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज़। नैनीताल के मल्ली ताल में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। मामला बड़ा तो दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को कोतवाल ले आई। जानकारी के अनुसार मल्ली ताल के बारह पत्थर के हांडी बांडी सोसाइटी में कुलदीप कुमार सेक्रेटरी हैं। इधर बीते दिनों काशीपुर निवासी रोहित ने सोसाइटी में एक प्रॉपर्टी ली। जब उसका परिवार बीते 11 नवंबर को अपनी प्रॉपर्टी में रहने आया तो वहीं रहने वाले एक परिवार ने उनकी प्रॉपर्टी में कुछ सामान रखा था। उन्होंने सेक्रेटरी को प्रॉपर्टी की कागजात दिखाकर सामान हटवाने की बात कही। इधर कोतवाली में चांदनी ने तहरीर देते हुए कहा कि 13 नवंबर को जब वे रोहित कैलाश के साथ खिड़की लगा रहे थे तो उनके पड़ोसी दाऊद ने लड़के बुलाकर उनसे मारपीट कर दी, जिसमें चांदनी बेहोश हो गई, जिसके बाद परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंच गए। वहीं सोमवार को दाऊद ने सेक्रेटरी कुलदीप के घर के सामने कूड़ा फेंका तो उसकी पत्नी शैलजा के विरोध करने पर दाऊद ने उसके साथ भी मारपीट कर दी और उसके परिजनों ने भी महिला के साथ बदसलूकी की। मारपीट में महिला के हाथ में चोट आई है। चांदनी और सेक्रेटरी कुलदीप की ओर से कोतवाली में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने दाऊद समेत तीन लोगों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। मामला तो प्रॉपर्टी का था, जिसके पर जबरदस्ती हम लोगों को ये लोग बीच में घसीट रहे कि सेक्रेटरी ने सोसाइटी में कब्जा नहीं करवाया, ठीक है। उसके बाद ये हमारे साथ मारपीट करने लगे, तो बस वही आपके सामने है, थाने में चल रहा है। कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैंने सुबह 11 बजे पुलिस को फोन किया था कि मेरे साथ इस तरह की हरकतें हुई हैं, पर इनका कोई रिप्लाई नहीं आया। ये 1 बजे पुलिस वहाँ पहुँची है और उसके बाद जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो ये लोग जो मारपीट करता है उसको भगा देते हैं। कर रहा हूँ कि नैनीताल की पुलिस कितना ढीली क्यों पड़ी हुई है। एक हिंदू परिवार के साथ एक मुस्लिम परिवार ने इतनी बेरहमी से मारपीट की है। आज और आज से 4 दिन पहले भी उसी परिवार ने दूसरी महिला के साथ मारपीट की है और आज भी महिला के साथ मारपीट की है। उसके बाद हम तत्काल थाने पर आए हैं, पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस लेकिन उनको गिरफ्तार करने की तो बात दूर है, पुलिस ने थाने से उनको भगा दिया है। पुलिस प्रशासन की ओर से कहीं कोई कार्रवाई नहीं और पुलिस का उनको संरक्षण प्राप्त है। वो अपने आप को हाईकोर्ट की अधिवक्ता बता रही हैं, उसकी आड़ पे वो सारे काम कर रही हैं। उनकी बेटी और उनका भाई और उनके पिताजी और वहाँ के आसपास रहने वाले हिंदू परिवारों से मार इसमें हांडी बांडी में जो है एक महिलाओं से मारपीट और जो है अभद्रता का मामला आया था, इसमें जो है FIR कायम की गई है और जो है इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है गिरफ्तारी की गई है। आगे जो है नियमानुसार जो है 354 धारा लगी है, इसमें इसकी इन्वेस्टिगेशन महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा की जाएगी और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी हमारी संवाददाता दीप्ति बोरा की रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।